अपने रिजिम में, अपने शासन में जब उनकी शासन थी तो हर जगह अपराध ही अपराध था, कहीं अपराध से मुकाबला करने वाले लोग नहीं थे। और आज तो अपराध से मुकाबला भी शासन कर रही है, कानून कर रही है, और उसका हमें लगता है कि एक बड़े मजबूती के साथ सरकार भी उसका मुकाबला कर रही है। अपराधी देखिए घंटे, दो घंटे, चार घंटे, दस घंटे के अंदर अपराधियों का मैंने उद्भेदन भी हो रहा है और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। सवाल तो 2005 से पहले बिहार में आज से ज़्यादा अपराध था, ये अगर ये मानते हैं तो 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो अपराध पे काबू पा लिया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में जो एनडीए की सरकार है अपराध पे काबू क्यों नहीं पा रही है? अगर जंगल राज उस समय था तो काबू पा लिया गया, अगर यहाँ सुशासन का राज है तो अपराधियों पे अंकुश क्यों नहीं लगा? देखिए मैं आप जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं आप वैसे परिस्थिति की बात कर रहे हैं जब नीतीश कुमार जी की सरकार जब शुरू में 2005 में बनी थी और अखंड अपराध में अपराधियों के चंगुल में यह राज्य जकड़ा हुआ था, अपराधियों से छुटकारा दिला करके इस राज्य को एक सुशासन मुक्त और एक व्यवस्थित सरकार में डाला गया। मैं आज के तौर पर फिर मैं यह कह रहा हूँ कि कुछ अपराध अगर करने के जरूरत और करने का हिम्मत भी कुछ अपराधी रख रहे हैं तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई भी हो रही है। हमें लगता है वो कार्रवाई से बड़े नहीं हो जाते। 2005 के पहले थाने से अपराध होते थे, एक प्लान के तहत अपराध होते थे, शासन के माध्यम से अपराध होते थे, शासन के माध्यम से अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था 2005 के पहले, और आज ऐसा न हो रहा है न होगा। वैसे अपराधियों सर नहीं होगा, लेकिन एक 47 मिलेगा बिहार से लगातार, 47 आएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, वह पकड़े भी जा रहे हैं, बारे भी जा रहे हैं, मैं वह कहीं बक्से नहीं जा रहे हैं, ना बक्से जाएंगे। 47 मिल रहा है ना बिहार से? या मैं कह रहा हूँ कि 47 बिहार से नहीं, देश और दुनिया से मिल रहा है। जब देश और दुनिया में बन रहा है तब 47 मिल रहा है, लेकिन वैसे लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है। एक बात अभी तो देखिए कार्रवाई कितना कठोर हो रही है, वो बचे, वो बच नहीं रहे ना बचेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने बोला कि नोटा जीतेगा, बात तो मैंने पहले ही कहा कि स्वर्ण सेना पर लगातार इस पर मेरा काले झंडे दिखाई जा रहे हैं, कि इस पर मेरा कोई प्रतिक्रिया नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे एनडीए के घटक के एक बड़े नेता हैं, मैं उनके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करूँगा।